नमस्कार, मैं हूं अविनाश पांडे और आप देख रहे हैं न्यूज़ 11। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पटना साहिब से बीजेपी के प्रत्याशी रविशंकर प्रसाद आज पटना पहुंचे। आपको बता दें कि पटना एयरपोर्ट पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। वहीं बीजेपी कार्यकर्ताओं को भारी भीड़ में वहां पर उमड़ी थी और इसके बाद वहां पर उनका जोरदार स्वागत भी किया गया। जो पटना साहिब में के इस राजनीति के इस लोकसभा के चुनाव में नारा है, अब वह नारा यह है, सबसे ज्यादा वोट हमारे बूथ, सबसे ज्यादा वोट हम हमारे बूथ पर इस नारे के साथ निकलेंगे, 3 रात लगेंगे और एनडीए के प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के रूप में भारतीय जनता पार्टी का जो कमल निशान लेकर रविशंकर जी पटना साहिब की इस राजनीति के मैदान में लोकसभा चुनाव में उतरे हैं, बुलंदी के साथ हम बुलंदी के साथ हम पटना साहिब को जीतेंगे। 2019 में अपने प्रधानमंत्री जी को बुलंदी के साथ पुनः प्रधानमंत्री। और पटना में बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी का प्रदेश कार्यालय में भव्य स्वागत किया गया। वहीं प्रत्याशी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए, यानी कि रविशंकर प्रसाद ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बीजेपी के जीत का दम भरा। जब से हम कार्यकर्ता बने, हमें एक ही बात सिखाई गई, ध्यान रखना, तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रहे। आज के दिन में बहुत पॉलिटिकल बातें तो चुनाव प्रचार में होंगी, लेकिन राहुल गांधी को एक संदेश देना चाहता हूं। राहुल गांधी जी, जब मोदी जी विदेश जाया करते थे तो आप ये सवाल पूछते थे कि मोदी जी आजकल भारत के दौरे पर है, याद है ना, ये कहते थे। राहुल गांधी क्या क्या बोलते हैं आप जानते ही हैं। राहुल गांधी जी, नरेंद्र मोदी आपकी तरह विदेश घूमने नहीं जाया करते थे, आराम करने नहीं जाया करते। मोदी जी विदेश जाया करते थे तो भारत की दीवार को मजबूत करने और पाकिस्तान की दीवार। कटिहार के विधान पार्षद अशोक अग्रवाल निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान में उतरेंगे। आपको बता दें कि भाजपा के राजनीति से सक्रिय रूप से जुड़े रहे अशोक अग्रवाल कटिहार से एनडीए प्रत्याशी के रूप में यहां पर प्रबल दावेदार थे, लेकिन पार्टी के बगावत के सवाल पर अशोक अग्रवाल ने कहा कि त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि और आम लोगों से राय करने के बाद वो कटिहार के मुद्दे की लड़ाई को लेकर चुनावी मैदान में उतरे हैं। 26 तारीख को निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में नॉमिनेशन करेंगे। कटिहार की हमारे जो सम्मानित जनता है उनकी ख्वाहिश थी कि आप निर्दलीय उम्मीदवार बने, हमारे त्रिस्तरीय पंचायती राज के सदस्य पूरे जिले के, उनकी भी ख्वाहिश थी कि आप निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में पर्चा भरें और हम लोग आपकी मदद करेंगे कटिहार की बेहतरी के लिए। जो कटिहार का विकास, जो आज़ादी के बाद विकास सेंट्रल फंडेड से होना चाहिए था, जो हमारे जो संसदीय क्षेत्र के उम्मीदवार रहे हैं उनके द्वारा समस्याओं का हल नहीं किया गया, तो लोगों की इच्छा थी कि आप अपना उम्मीदवारी दें और हम लोग आपके साथ। और सीतामढ़ी में 100% मतदान को लेकर अनोखी और नया पहल देखने को मिली, जहां मतदाताओं को जागरूक करने के लिए इस बार जिला निर्वाचन कोषांग जानवरों का सहारा लेंगे। इसके लिए आपको बता दें कि जानकारी देते हुए जिला निर्वाचन पदाधिकारी के साथ साथ यहां पर जिला पदाधिकारी डॉक्टर रणजीत कुमार सिंह ने बताया कि सीतामढ़ी लोकसभा में अधिकार यहाँ पर मतदाता ग्रामीण प्रवेश के हैं, अधिकतर जो मतदाता है वो ग्रामीण प्रवेश के हैं और उन्होंने जानवरों से उन्हें काफ़ी प्रेम है। इसको लेकर जिला निर्वाचन कोषांग जो है वो मतदाताओं को जागरूक करने के लिए विभिन्न जानवरों का सहारा लेगी। लोकसभा आम निर्वाचन 2019 को लेकर हम लोगों ने स्वीप कोषांग द्वारा बहुत सारे कार्यक्रम किए हैं, जिसमें चुनावी पाठशाला 5000 से अधिक जगहों पर लगाए गए थे। इतना ही नहीं, हर मतदान केंद्र पे ईवीएम और वीवीपैट द्वारा भी उनको प्रशिक्षण करके मतदान के प्रति जागरूक किया गया था। 20,000 से अधिक महिलाओं ने विश्व अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर
उपस्थित हुई थी, जिनको कि हमारी स्वीप आइकॉन श्रेया घोष ने मनोरंजन द्वारा मतदान के प्रति उन्होंने जागरूक किया था। आने वाले समय में हम बहुत जल्दी ही किसानों को भी स्वीप कार्यक्रम से जोड़ने और मतदान के प्रति जागरूक करने के लिए घुड़सवारी और अन्य जानवरों का भी हम लोग जल्दी ही स्वीप में। और भागलपुर के बरारी थाना क्षेत्र के हाउसिंग बोर्ड में अपराधियों ने एक महिला को गोली मारकर जख्मी कर दिया। बताया जा रहा है कि रंगदारी नहीं देने पर अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया है। वहीं एसएसपी आशीष भारती ने मामले को गंभीरता को लेते हुए सिटी डीएसपी राजवंशी के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया है और साथ ही साथ दो अपराधियों को भी इसके बाद गिरफ्तार किया गया। फायरिंग की गई थी और रंगदारी के पैसा मांगने के उद्देश्य से फायरिंग लोग किया था। सूचना मिलते ही हम लोगों ने डीएसपी सिटी सीआई लॉ ऑर्डर थाना प्रभारी का एक टीम बनाया गया और टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए इसमें जो शामिल अपराधी थे उसकी तत्क्षण गिरफ्तारी की गई। जो गाड़ी घटना प्रयोग किया गया था वो भी बरामद हुआ और बच्चों से पूछा गया। बच्चे ही बोलूँगा, कम एज है, 19 साल का लड़का है, अच्छे घर का बच्चा है, पता नहीं क्यों क्राइम किया। धंधा रहता है कि जो कॉलोनी में इस घर में कम लोग रहते हों, क्योंकि मेल पर्सन बाहर रहते हैं, कल फीमेल घर में रहती है, उस घर में जा कर के धमकी देना और कुछ पैसे ऐठ लाना, लेकिन का प्रयास असफल रहा, गिरफ्तारियाँ हुई। और इसके पीछे और 2-3 लड़के हैं जो हम लोग जानकारी हुई है, हम लोग कुछ जल्दी से गिरफ्तार करें। बढ़ते अगली खबर की तरफ। इधर कैमूर जिले के चांद थाना क्षेत्र के पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है और युवक के पास से एक पिस्टल भी बरामद किया गया है। वहीं एसपी दिलनवाज अहमद ने बताया कि जांच पड़ताल के बाद पिस्टल पाई गई है। दरअसल युवक यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करता था और उसके लिए उसने पिस्टल खरीदी थी। अपना शूटिंग करके पिस्टल के साथ यूट्यूब पर डाल रहा था, उसी क्रम में पुलिस को सूचना मिल गई थी कि ये पिस्टल लेके कोई लड़का घूम रहा है। तो बाद में जब सत्यापन हुआ वो पिस्टल नकली था, जिसपे दस्तकार की जा रही है, ऐसा कोई मामला नहीं। बढ़ते अगली खबर की तरफ। इधर बेगूसराय के नीमा चांदपुर थाना क्षेत्र के नीमा गांव में विवाहिता को जिंदा जलाकर हत्या करने का मामला सामने आया है। बता दें आपको कि दहेज के लिए पति और ससुराल वालों ने युवती को जिंदा जला दिया था। आपको बता दें कि वहीं पुलिस शव को फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जाँच कर रही है। खत्म है, डेढ़ भरी सोना का हमने इससे बात किया, जिसमें डेढ़ भरी सोना का इधर हम उसका 45,000 रुपया नकद लिया है, नकद अपना हाथ से जमीन बेच करके दिया है। अभी तो फिर बिदागरी करा के हम उसको कहा जब नहीं ले जाइए, कहा जो जबरदस्ती है वह बिदागरी करा के ले जाएंगे। अच्छा, फिर परसों 7 बजे शाम का ही बिदागरी करा के ले गया, परसों सुमारस रहे, अभी तो ले गया, रात में झड़का के मार दिया संजय पासवान दोनों बाप बेटा और परिवार। खत्म है, देर भरी सोना का हमने इससे बात किया, जिसमें देर भरी बढ़ते अगली खबर की तरफ। इधर पटना सिटी के गोपालपुर थाना क्षेत्र के मानपुर बैरिया इलाके में ब्रेड बनाने वाली फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। बता दें आपको कि स्थानीय लोगों ने यहां पर रस्सी से फैक्ट्री में लगे लोगों को, जो फंसे लोग थे उनको बाहर निकाला है। आपको बता दें घटना पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची और आग पर काबू पाने के लिए काफी मशक्कत की, जिसके बाद आग पर काबू पाया गया। क्या हुआ? वो हम लोग ड्यूटी करके सो रहे थे, थोड़ी देर में दूसरे स्टाफ ड्यूटी के लिए आए तो हम लोग ऊपर सो रहे थे, नाइट में 2 बजे तक काम किए थे, तो खाना वाना खा के सो गए, तो नीचे ऑटोमेटिक चालू हो गया वो आग, तो हम लोग कुछ अहम सोचे ऐसे भट्टी चालू हुआ होगा, तो उसके बाद फिर हम लोगों जो पैनल है उसको पकड़ के ऊपर गए हैं, ऊपर से फिर यहाँ से नीचे से रस्ता गया तो छत के ऊपर से नीचे। कितने लोग ऊपर फंसे हुए थे? लमसम 8-10 लोग फंसे हुए थे हम लोग, जिसमें कि वो उतरते समय हम लोग का थोड़ा बहुत लग गया है। बाद में इकट्ठे करते हैं वही 4-5 घंटा माल। कितने लोग रहते हैं? मतलब वही 50-60 आदमी रहते हैं हम लोग। जिस वक्त आग लगा होगा उस वक्त 50-60 आदमी था वहाँ। इधर नालंदा में आकाशीय बिजली गिरने से एक महिला समेत 2 लोगों की मौत हो गई है। वहीं लहरी थाना इलाके के कांटा पर
यहां पर निर्माणाधीन मकान की दीवार की ईंट गिरने से एक गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं गाड़ी मालिक ने नगर निगम अधिकारियों से मकान निर्माण के लिए तुरंत रोक लगाने की मांग की है। हमारे मकान के बगल में एक मकान बन रहा है जिसके मकान का कोई स्ट्रेंथ नहीं ढंग से, इस मकान को कहीं भी नक्शा कराया गया है ना, तो इसमें कोई भी इंजीनियर है। ये अपने तरीके से गैर जिम्मेदाराना तरीके से मकान को इस तरीके से खींचा जा रहा है जिससे अगल बगल रहने वाले का पूरा मकान किसी भी समय ध्वस्त हो सकता है। इसकी जांच कराई जाए, इसके पिलर नींव और इसके रड को देखते हुए तत्काल कार्रवाई किया जाए, नहीं तो इससे भी ज़्यादा नुकसान होगा। रात में देख लीजिए पूरी गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई है, इसमें कुछ नहीं बचा। तो फिलहाल खबरों में इतना ही, लेकिन ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक पर लाइक कर सकते हैं, आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, और बिहार झारखंड के साथ साथ देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारी वेबसाइट News11 पर जरूर क्लिक करें, वहां से आपको ताज़ा अपडेट्स मिलते रहेंगे। लेकिन फिलहाल खबरों में इतना ही, बन रहे हमारे साथ और देखते रहें News11। नमस्कार। News11 के वीडियोज को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं।